आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 94। इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में भी यही स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा अनादि होने से निर्गुण होने से प्रत्येक प्राणी के शरीर में यानी सूर्य जैसे घड़े में स्थित होने पर भी न तो कुछ करता है, क्योंकि सब कार्य परमात्मा की शक्ति करती है। जैसे घड़े के जल में सूर्य दिखाई देता है, उससे जल गर्म हो रहा है, वह सूर्य करता नहीं दिखाई देता, उसकी उष्णता कर रही है। सूर्य कुछ नहीं करता दिखता और न परमात्मा उस शरीर में लिप्त होता है, जैसे सूर्य घड़े के जल में लिप्त नहीं होता। गीता अध्याय 13 श्लोक 32 में भी यही प्रमाण है। गीता अध्याय 13 श्लोक 33 में आत्मा और शरीर की स्थिति बताई है। गीता अध्याय 13 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी गीता ज्ञान दाता के भेद को तथा कर्म करते करते भक्ति करके काल की प्रकृति अर्थात काल जाल से मुक्त जो साधक ज्ञान नेत्रों द्वारा जानकर तत्वदर्शी संत की खोज करके सत्य शास्त्रानुकूल साधना करके तत्व ज्ञान को समझकर उस परम अर्थात दूसरे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा है, जिसकी भक्ति की साधना करके साधक उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परमपद को खोजना चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। सारांश पूर्वोक्त प्रमाणों से तथा इस गीता अध्याय 13 के उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 में कहा है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा करने योग्य है, वही सबका रचनहार है, वही सबका पालनहार धारण करने वाला सर्व सुखदायक है, उसको परमात्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 धर्मदास जी का। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी अपने आप को समस्त प्राणियों का अविनाशी ईश्वर कह रहे हैं, अपने को अजन्मा भी कहा है। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का। हे धर्मदास जी, गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा है, श्री कृष्ण जी की कोई भूमिका नहीं है, गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जितने प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अंतर्गत हैं, मैं उनका श्रेष्ठ प्रभु यानी ईश्वर हूँ। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में भी है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं लोक वेद यानी सुनी सुनाई बातें के आधार से अपने 21 ब्रह्मांडों वाले लोक में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 95। क्योंकि मैं शरीरधारी प्राणियों से तथा अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ जो मेरे अंतर्गत मेरे 21 ब्रह्मांडों में हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 6 में यह कहा है कि मैं अजह यानी अजन्मा अर्थात मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, मैं लीला से प्रकट होता हूँ। जैसे गीता अध्याय 10 में विराट रूप दिखाया था, फिर कहा है कि अव्ययात्मा यानी मेरी आत्मा अमर है, फिर कहा है कि आत्ममाया यानी अपनी लीला से संभवामी यानी उत्पन्न होता हूँ। यहाँ पर उत्पन्न होने की बात है, क्योंकि यह काल ब्रह्म अक्षर पुरुष के एक युग के उपरांत मरता है, फिर उस समय एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। देखें प्रश्न 9 का उत्तर। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सर्व जीवात्माएं चली जाती हैं, काल ब्रह्म की आत्मा भी चली जाती है, वहाँ इसको पुनः युवा शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की मृत्यु होती है, फिर काल ब्रह्म के साथ ही इसको भी युवा शरीर प्राप्त होता है। यह परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष का विधान है। तो फिर उस नए ब्रह्मांड में दोनों पति पत्नी रूप में नए रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु तथा तमगुण युक्त शिव को उत्पन्न करते हैं। फिर उस ब्रह्मांड में सृष्टि क्रम प्रारंभ होता है।
इस प्रकार इस काल ब्रह्म की मृत्यु तथा लीला से जन्म होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में भी स्पष्ट है, जिसमें गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरे जन्म तथा कर्म अलौकिक हैं। वास्तव में यह नाशवान है। आत्मा सर्व प्राणियों की भी अमर है। आपके महामंडलेश्वरों आचार्यों तथा शंकराचार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इसलिए अनमोल ग्रंथों को ठीक से न समझकर लोकवेद यानी दंत कथा सुनाते हैं। आप देखें, इस गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसका अभिप्राय ऊपर स्पष्ट कर दिया है। संभवात का अर्थ उत्पन्न होना है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात यानी जन्म लेने वाला राम व कृष्ण की तरह मानता है, कोई असंभवात यानी उत्पन्न न होने वाला निराकार मानता है, अर्थात तत्वदर्शी संत जो सत्य ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो, वे बताएंगे कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं। वास्तव में परमात्मा स्वयंभू है, वह कभी नहीं जन्मा है और न जन्मेगा, मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं। दूसरी ओर गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि मैं जन्मता और मरता हूँ, अविनाशी नहीं हूँ। अविनाशी तो परम अक्षर ब्रह्म है। प्रश्न नंबर 50, जिंदा बाबा परमेश्वर जी का। आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है? उत्तर धर्मदास जी का, शूद्र के छू लेने से भक्त अपवित्र हो जाता है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आत्मग्लानी हो जाती है। मैं ऊंची जाति के वैश्य हूँ। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 96। कथनी और करनी में अंतर। प्रश्न नंबर 51, धर्मदास जी का। हे जिंदा, यह तो सत्य ही है कि शूद्र से दूरी बनाए रखने से भक्त की पवित्रता बनी रहती है, क्या आप नहीं मानते? उत्तर बाबा जिंदा का, यह शिक्षा किसने दी? धर्मदास जी ने कहा, हमारे धर्मगुरु बताते हैं, आचार्य शंकराचार्य तथा ब्राह्मण बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को बताया। उस समय तक धर्मदास जी को ज्ञान नहीं था कि आपसे वार्ता करने वाला ही कबीर जुलाहा है, कि कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित जी के साथ तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडारे में गया। वह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। सत्संग में मुख्य पंडित आचार्यों ने सत्संग में बताया कि भगवान राम ने शूद्र भीलनी के झूठे बेर खाए। भगवान तो समदर्शी थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भक्त को ऊंचे नीचे का अंतर नहीं देखना चाहिए, श्रद्धा देखी जाती है। लक्ष्मण ने सबरी को शूद्र जानकर ग्लानी करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए, बाद में वे बेर संजीवन बूटी बने। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए, जिस पर संजीवन बूटी उन झूठे बेरों से उगी थी। उस बूटी को खाने से लक्ष्मण सचेत हुआ, जीवन रक्षा हुई। शबरी की भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा थी, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्संग के तुरंत बाद लंगर यानी भोजन भंडारा शुरू हुआ। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शूद्र जुलाहा कबीर आया है, वह स्वामी रामानंद का शिष्य है, रामानंद जी के साथ खाना खाएगा, हम ब्राह्मणों का अपमान होगा, इसलिए दो स्थानों पर लंगर शुरू कर दिया। जो पंडितों के लिए भंडार था उसमें खाना खाने के लिए एक शर्त रखी कि जो पंडितों वाले भंडारे में खाना खाएगा उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे, जो मंत्र नहीं सुना पाएगा वह सामान्य भंडारे में भोजन खाएगा। उनको पता था कि कबीर जुलाहा काशी वाला तो अशिक्षित है, उसको वेद मंत्र कहाँ से याद हो सकते हैं। सब पंडित जी 4-4 वेद मंत्र सुना सुना कर पंडितों वाले भोजन भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। पंक्ति लगी थी, उसी पंक्ति में कबीर जुलाहा यानी धानक भी खड़ा था। वेद मंत्र सुनाने की कबीर जी की बारी आई। थोड़ी दूरी पर एक भैंसा यानी झोटा घास चर रहा था। कबीर जी ने भैंसे को पुकारा, कहा कि हे भैंस पंडित, कृपया यहाँ आइएगा। भैंसा दौड़ा दौड़ा आया, कबीर जी के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर जी ने भैंसे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि हे विद्वान भैंसे, वेद के 4 मंत्र सुना।
भैसे ने नंबर एक यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र 32 सुनाया, जिसका भावार्थ भी बताया कि जो परम शांतिदायक यानी उसिक असी, जो पाप नाश कर सकता है यानी अंधारी, जो बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है यानी बंभारी, वह कबीरसी कबीर है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 97। स्वर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित अर्थात तेजोमय शरीर वाला रिद्धामा यानी सत्यलोक वाला अर्थात वह सत्यलोक में निवास करता है। सम्राट सियानी सब भगवानों का भी भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान सम्राट यानी महाराजा है। नंबर दो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा ऊपर के लोक से गति यानी प्रस्थान करके आता है, नेक आत्माओं को मिलता है, भक्ति करने वालों के संकट समाप्त करता है, वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है। नंबर तीन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि कविह यानी कबीर कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है, कबीर वाणी यानी कबीर वाणी कहलाती है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान को कबीर परमात्मा लोकोक्तियों, दोहों, शब्दों, चौपाइयों व कविताओं के रूप में पदों में कबीर वाणी द्वारा बोलकर सुनाता है। नंबर चार ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 भी सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। भैसा फिर बोलता है कि भोले पंडितों, जो मेरे पास इस पंक्ति में जो मेरे ऊपर हाथ रखे खड़ा है, यह वही परमात्मा कबीर है जिसे लोग कवि कहकर पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्यों की तरह वेद मंत्र सुना रहा हूँ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भैसा पंडित, आप पंडितों वाले लंगर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें। मैं तो शूद्र हूँ, अशिक्षित हूँ, इसलिए आम जनता के लिए लगे लंगर में भोजन करने जाता हूँ। उसी समय सर्व पंडित जो भैंसे को वेद मंत्र बोलते देखकर एकत्रित हो गए थे, कबीर जी के चरणों में गिर गए तथा अपनी भूल की क्षमा याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बा। सत्संग में तो कह रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र जाति की शबरी भीलनी के झूठे बेर रुचि रुचि खाए, कोई छुआछूत नहीं की और स्वयं को तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो, कहते हो करते नहीं, एक दूसरे से सुनी सुनाई बात कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। सर्व उपस्थित पंडितों सहित हजारों की संख्या में कबीर जुलाहे के शिष्य बने, दीक्षा ली, शास्त्र विरुद्ध भक्ति त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति शुरू की, आत्म कल्याण कराया। हे धर्मदास, यही बात आप कह रहे हो कि हम शूद्र को पास भी नहीं बैठने देते। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 98। धर्मदास बहुत शर्मसार हुआ, परंतु परमात्मा की शिक्षा को अपने ऊपर व्यंग्य समझकर खींच गया तथा कहा कि हे जिंदा, आपकी जली भूनी बातें अच्छी नहीं लगती, आपको बोलने की सभ्यता नहीं है, कहते हो कि कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें तुम सब भौंकते फिरते हो। यह कहकर धर्मदास जी ने मुंह बना लिया, नाराजगी जाहिर की, परमात्मा जिंदा रूप में अंतर ध्यान हो गए। चौथी बार अंतर ध्यान हो गए तो धर्मदास का जीना मुश्किल हो गया, पछाड़ खा खा कर रोने लगा। उस दिन फिर वृंदावन में धर्मदास से परमात्मा की वार्ता हुई थी। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी कुल मिलाकर 6 बार अंतर ध्यान हुए, तब धर्मदास की अक्ल ठिकाने आई। वृंदावन मथुरा से चलकर धर्मदास रोता हुआ अपने गांव बांधवगढ़ की ओर वापस चल पड़ा। धर्मदास जी ने 6 महीनों का कार्यक्रम तीर्थों पर भ्रमण का बना रखा था, वह 15 दिन में ही वापस घर आ गया। गरीब दास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तहां वहां रोवत है धर्मनी नागर, कहां गए मेरे सुख के सागर, अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जाए खेती, हम तो जाने तुम देह स्वरूपा, हमरी बुद्धि अंध गहर कूपा, कल्प करे और मन में रोवे, दशों दिशा को वो मघ जो है, बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवू सुनो विधाता। जब धर्मदास जी बांधवगढ़ पहुँचा, उस समय बहुत रो रहा था, घर में प्रवेश करके मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी का नाम आमिनी देवी था, अपने पति को रोते देखकर
तथा समय से पूर्व वापस लौटा देखकर मन मन में विचार किया कि लगता है भक्त जी को किसी ने लूट लिया है, धन न रहने के कारण वापस लौट आया है। धर्मदास जी के पास बैठकर अपने हाथों आंसू पोंछती हुई बोली, क्यों कच्चा मन कर रहे हो? कोई बात नहीं, किसी ने आपकी यात्रा का धन लूट लिया। आपके पास धन की कमी थोड़े है और ले जाना, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आना, मैं मना थोड़े करूंगी। कुछ देर बाद दृढ़ मन करके धर्मदास जी ने कहा कि आमिनी देवी, यदि रुपए पैसे वाला धन लुट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा ऐसा धन लुट गया है जो शायद अब नहीं मिलेगा, वह मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गवाया है। जिंदा महात्मा से हुई सर्वज्ञान चर्चा तथा जिंदा बाबा से सुनी सृष्टि रचना आमिनी देवी को सुनाया। सर्वज्ञान प्रमाणों सहित देखकर आमिनी ने कहा कि सेठ जी, आप तो निपुण व्यापारी थे, कभी घाटे का सौदा नहीं करते थे। इतना प्रमाणित ज्ञान फिर भी आप नहीं माने, साधु को तो नाराज होना ही था। कितनी बार आपको मिले बच्चे की तरह समझाया, आपने उस दाता को क्यों ठुकराया? धर्मदास ने कहा, आमिनी, जीवन में पहली बार हानि का सौदा किया है, यह हानि अब पूर्ति नहीं हो पावेगी। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 99। वह धन नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। धर्मदास जी को सतलोक में ले जाना। 6 महीने तक परमेश्वर जिंदा नहीं आए। धर्मदास रो रो अकुल आए, खाना नाम मात्र रह गया। दिन में कई कई बार घंटों रोना, शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक दिन धर्मदास जी से आमिनी देवी ने पूछा कि हे स्वामी, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप विश्वास रखो, जब पहले कितनी बार आए हैं तो अब की बार भी आएंगे। धर्मदास ने कहा कि इतना समय पहले कभी नहीं लगाया, लगता है मुझ पापी से बहुत नाराज हो गए हैं, बात भी नाराजगी की है। मैं महामूर्ख हूँ आमिनी देवी, अब मुझे उनकी कीमत का पता चला है। भोले भाले नजर आते हैं, वे परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं। इतना ज्ञान देखा न सुना। आमिनी ने पूछा कि उन्होंने बताया हो कि वे कैसे कैसे मिलते हैं, कहां कहां जाते हैं? धर्मदास जी ने कहा कि वे कह रहे थे कि मैं वहां अवश्य जाता हूं जहां पर धर्म भंडारे यानी लंगर होते हैं, वहां लोगों को ज्ञान समझाता हूं। आमिनी देवी ने कहा कि आप भंडारा कर दो, हो सकता है कि जिंदा बाबा आ जाए। धर्मदास जी बोले कि मैं तो 3 दिन का भंडारा करूंगा। आमिनी देवी पहले तो कंजूसी करती थी, धर्मदास 3 दिन का भंडारा कहता था तो वह 1 दिन पर अड़ जाती थी, परंतु उस दिन आमिनी ने तुरंत हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, आप 3 दिन का भंडारा करो। धर्मदास जी ने दूर दूर तक 3 दिन के भोजन भंडारे का संदेश भिजवा दिया, साधुओं का निमंत्रण भिजवा दिया। निश्चित दिन को भंडारा प्रारंभ हो गया। 2 दिन बीत गए, साधु महात्मा आए, ज्ञान चर्चा होती रही, परंतु जो ज्ञान जिंदा बाबा ने बताया था उसका उत्तर किसी के पास नहीं पाया। धर्मदास जी जानबूझकर साधुओं से प्रश्न करते थे कि क्या ब्रह्मा विष्णु शिव का भी जन्म होता है? उत्तर वही घिसा पिटा मिलता कि इनके कोई माता पिता नहीं है। इससे धर्मदास को स्पष्ट हो जाता कि वह जिंदा महात्मा नहीं आया है, वेश बदल कर आता तो भी ज्ञान तो सही बताता। 3रे दिन भी दोपहर तक में जिंदा बाबा नहीं आए। धर्मदास जी ने दृढ़ निश्चय करके कहा कि यदि आज जिंदा बाबा नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगा, ऐसे जीवन से मरना भला, परमात्मा तो अंतर्यामी है, जान गए कि आज भक्त पक्का मरेगा। उसी समय कुछ दूरी पर कदंब का पेड़ था, उसके नीचे उसी जिंदा वाली वेशभूषा में बैठे धर्मदास को दिखाई दिए। धर्मदास दौड़कर गया, ध्यान पूर्वक देखा, जिंदा महात्मा के गले से लग गया, अपनी गलती की क्षमा मांगी, कभी ऐसी गलती न करने का बार बार वचन किया। तब परमात्मा धर्मदास के घर में गए। आमिनी तथा धर्मदास दोनों ने बहुत सेवा की, दोनों ने दीक्षा ली। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 100। परमात्मा ने जिंदा रूप में उनको प्रथम मंत्र की दीक्षा दी। कुछ दिन परमेश्वर उनके बाग में रहे। फिर एक दिन धर्मदास ने ऐसी ही गलती कर दी, परमात्मा अचानक गायब हो गए। धर्मदास जी ने अपनी गलती को घना यानी बहुत महसूस किया, खाना पीना त्याग दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक दर्शन नहीं दोगे पीना खाना बंद।
धर्मदास शरीर से बहुत दुर्बल हो गए, उठा बैठा भी नहीं जाता था। छठे दिन परमात्मा आए, धर्मदास को अपने हाथों उठाकर गले से लगाया, अपने हाथों खाना खिलाया। धर्मदास ने पहले चरण धोकर चरणामृत लिया, फिर ज्ञान चर्चा शुरू हुई। धर्मदास जी ने पूछा कि आप जी को इतना ज्ञान कैसे हुआ? परमेश्वर जी ने कहा कि मुझे सतगुरु मिले हैं, वे काशी शहर में रहते हैं, उनका नाम कबीर है, वे तो स्वयं परमेश्वर हैं, सतगुरु का रूप बनाकर लीला कर रहे हैं, जुलाहे का कार्य करते हैं। उन्होंने मुझे सतलोक दिखाया, वह लोक सबसे न्यारा है, वहाँ जो सुख है वह स्वर्ग में भी नहीं है। सदा बहार फलदार वृक्ष, सुंदर बाग, दूध की नदियाँ बहती हैं, सुंदर नर नारी रहते हैं, वे कभी वृद्ध नहीं होते, कभी मृत्यु नहीं होती। जो सतगुरु से तत्व ज्ञान सुनकर सत्य नाम की प्राप्ति करके भक्ति करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करता है। इसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी है। धर्मदास जी ने हट करके कहा कि हे महाराज, मुझे वह अमर लोक दिखाने की कृपा करें ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमेश्वर जी ने कहा कि आप भक्ति करो, जब शरीर त्याग कर जाएगा तो उस लोक को प्राप्त करेगा। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर जिंदा ने कहा कि चलो आपको सत्य लोक ले चलता हूँ। धर्मदास की आत्मा को निकालकर ऊपर सत्यलोक में ले गए। परमेश्वर के दरबार के द्वार पर एक संतरी खड़ा था। जिंदा बाबा के रूप में खड़े परमेश्वर ने द्वारपाल से कहा कि धर्मदास को परमेश्वर के दर्शन कराकर लाओ। द्वारपाल ने एक अन्य हंस, सतलोक में भक्त को हंस कहते हैं, से कहा कि धर्मदास को परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाओ, सत्यपुरुष के दर्शन कराकर लाओ। वहाँ पर बहुत सारे हंस यानी भक्त तथा हंसनी यानी नारी भक्तमती इकट्ठे होकर नाचते गाते धर्मदास जी को सम्मान के साथ लेकर चले। सब हंसों तथा नारियों ने गले में सुंदर मालाएं पहन रखी थी। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। जब धर्मदास जी ने तख्त यानी सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी को देखा तो वही स्वरूप था जो धरती पर जिंदा बाबा के रूप में था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा करोड़ चंद्रमा के प्रकाश से भी कहीं अधिक था। जिंदा रूप में नीचे से गए परमात्मा तख्त पर विराजमान अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगा। धर्मदास ने सोचा कि जिंदा तो इस परमेश्वर का सेवक होगा, परंतु सूरत मिलती जुलती है। कुछ देर में तख्त पर बैठा परमात्मा खड़ा हुआ तथा जिंदा सिंहासन पर बैठ गया। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 101। तेजोमय शरीर वाले प्रभु जिंदा के शरीर में समा गया। धर्मदास शर्म के मारे पानी पानी हो गया, अपने आप को कोसने लगा कि मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैंने परमेश्वर को कितना दुखी किया, कितना अपमानित किया, मुझे वहाँ विश्वास नहीं हुआ। जब दर्शन कराकर सतलोक के भक्त वापस लाए, 3 दिन तक परमात्मा के सत्यलोक में रहा। उधर से धर्मदास को 3 दिन से अचेत देखकर घर, गांव तथा रिश्तेदार व मित्र बांधवगढ़ में धर्मदास जी के घर पर इकट्ठे हो गए। कोई झाड़ फूंक करा रहा था, कोई वैद्य से उपचार करा रहा था, परंतु सब उपाय व्यर्थ हो चुके थे। किसी को आशा नहीं रही थी कि धर्मदास जिंदा हो जाएगा। 3रे दिन परमात्मा ने उसकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। धर्मदास जी को उस बाग से उठाकर घर ले गए थे, जहाँ से परमात्मा उसको सत्यलोक लेकर गए थे। धर्मदास सचेत हो गया था। धर्मदास जी सचेत होते ही उस बाग में उसी स्थान पर गए तो वही परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बैठे थे। धर्मदास जी चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। प्रभु, अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कुपुत हूँ, बहुर पिता को लाज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप परमात्मा हैं, आप परम अक्षर ब्रह्म हैं। कभी कभी आत्मा तो कहती थी कि पूर्ण ब्रह्म के बिना ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर कौन सुना सकता है, परंतु मन तुरंत विपरीत विचार खड़े कर देता था। हे सत्य पुरुष, आपने अपने शरीर की वह शोभा जो सत्यलोक में है, यहाँ क्यों प्रकट नहीं कर रखी? परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, यदि मैं उसी प्रकाशयुक्त शरीर से इस काल लोक में आ जाऊं तो क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन भी इसी को कहते हैं, व्याकुल हो जाए। मैं अपना सर्व कार्य गुप्त करता हूं। यह मुझे एक सिद्धि वाला संत मानता है, लेकिन इसको यह नहीं मालूम कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं
परमेश्वर ने धर्मदास से प्रश्न किया कि आपको कैसा लगा मेरा देश। धर्मदास बोले कि हे परमेश्वर, इस संसार में अब मन नहीं लग रहा। उस पवित्र स्थान के सामने तो यह काल का संपूर्ण लोक, 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र नरक के समान लग रहा है। जन्म मरण यहाँ का अटल विधान है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन भोगना भी अनिवार्य है। प्रत्येक प्राणी इसी आशा को लेकर जीवित है कि अभी नहीं मरूंगा, परंतु फिर भी कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से कपट से बातें करता है, लेकिन आपके सत्यलोक में सब व्यक्ति प्यार से बातें करते हैं, निष्कपट व्यवहार करते हैं। मैंने तीनों दिन यही जांच की थी। यदि धर्मदास जी अपने घर पर उपस्थित स्वजनों को न देखते जो उसके अचेत होने के साक्षी थे, तो समझते कि कोई स्वप्न देखा होगा। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 102। परंतु अब दृढ़ निश्चय हो गया था। उपरोक्त वर्णन पवित्र कबीर सागर अध्याय ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 57-58 पर, मोहम्मद बोध पृष्ठ 20-21 पर, दश मुकामी रेखता ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 83 पर, अमर मूल पृष्ठ 202 पर। क्या गुरु बदल सकते हैं, धर्मदास ने प्रश्न किया। प्रश्न नंबर 52 धर्मदास जी का, हे प्रभु, क्या गुरु बदल सकते हैं? सुना है संतों से कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। गुरु एक, ज्ञान अनेक। उत्तर सत्य पुरुष का, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। कबीर झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न लागे वार, द्वार न पावे मोक्ष का, रह वार का वार। भावार्थ, जब तक सच्चा गुरु यानी सतगुरु न मिले, तब तक गुरु बदलते रहना चाहिए। चाहे कितने ही गुरु क्यों न बनाने पड़े और बदलने पड़े, झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना। कबीर, डूबे थे पर उभरे, गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। भावार्थ, जिस समय मुझे सत्य गुरु मिले, उनके ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि हमारा ज्ञान और समाधान यानी साधना गलत है, तो ऐसे गुरु बदल दिया जैसे किसी डर से पशु फड़क कर बहुत तेज दौड़ता है, और जैसे रात्रि में सफर कर रहे यात्रियों को सुबह प्रकाश में पता चले कि जिस नौका में हम सवार हैं, उसमें पानी प्रवेश कर रहा है और साथ में सुरक्षित और साबुत नौका खड़ी है, तो समझदार यात्री जिसने कोई नशा न कर रखा हो, वह तुरंत फूटी नौका को त्याग कर साबुत यानी लीक प्रूफ नौका में बैठ जाता है। मैंने जब काशी में कबीर जी सच्चे गुरु का यह ज्ञान सुना जो आपको सुनाया है, तो जाति धर्म को नहीं देखा। उसी समय सत्य गुरु की शरण में चला गया और दीक्षा मंत्र लेकर भक्ति कर रहा हूँ। सतगुरु ने मुझे दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। हे धर्मदास, विचार कीजिए, यदि एक वैद्य से रोगी स्वस्थ नहीं होता, तो क्या अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाता? धर्मदास ने कहा कि जाता है, जाना भी चाहिए, जीवन रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य जन्म जीव कल्याण के लिए मिलता है। जीव को जन्म मरण का दीर्घ रोग लगा है। यह सत्य नाम तथा सार नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। दोनों मंत्र काशी में सतगुरु कबीर रहते हैं, उनसे मिलते हैं, पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 103। आप काशी में जाकर दीक्षा लेना, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सत्य गुरु के बिना मेरा वह सत्यलोक प्राप्त नहीं हो सकता। धर्मदास जी ने कहा कि आप स्वयं सत्य पुरुष हैं, अब मैं धोखा नहीं खा सकता, आप अपने को छुपाए हुए हैं। हे प्रभु, मैंने गुरु रूपदास जी से दीक्षा ले रखी है, मैं पहले उनसे गुरु बदलने की आज्ञा लूंगा, यदि वे कहेंगे तो मैं गुरु बदलूंगा। परंतु धर्मदास की मूर्खता की हद देखकर परमेश्वर छठी बार अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास जी फिर व्याकुल हो गए, पहले रूपदास जी के पास गए जो श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी के पुजारी थे, जो वैष्णव पंथ से जुड़े थे। धर्मदास जी ने संत रूपदास जी से सर्व घटना बताई तथा गुरु बदलने की आज्ञा चाही। संत रूपदास जी अच्छी आत्मा के इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटा धर्मदास, जो ज्ञान आपने सुना है जिस जिंदा बाबा से, यह ज्ञान भगवान ही बता सकता है। मेरी तो आयु अधिक हो गई है, मैं तो इस मार्ग को त्याग नहीं सकता। आपकी इच्छा है तो आप उस महात्मा से दीक्षा ले सकते हो। तब धर्मदास जी काशी में गए, वहाँ पर कबीर जुलाहे की झोंपड़ी का पता किया। वहाँ कपड़ा बुनने का कार्य करते कबीर परमेश्वर को देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
खुशी भी अपार हुई कि सतगुरु तथा परमेश्वर यही है। तब उनसे दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को फिर दो अक्षर, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा तत् जो सांकेतिक है, का सत्य नाम दिया। फिर सार नाम देकर सतलोक का वासी किया। कलयुग में परमात्मा अन्य निम्न अच्छी आत्माओं यानी दृढ़ भक्तों को मिले। नंबर दो, संत मलूक दास अरोड़ा जी को मिले। नंबर तीन, संत दादू दास जी आमेर राजस्थान वाले को मिले। नंबर चार, संत नानक देव जी को सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी पर मिले, जहां गुरुद्वारा सचखंड साहिब यादगार रूप में बना है। नंबर पाँच, संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, उस स्थान पर वर्तमान में यादगार बनी हुई है। संत गरीब दास जी 10 वर्ष के बच्चे थे। अपने ही खेतों में अन्य कई ग्वालों के संग गौएं चराने जाया करते थे। परमेश्वर जिंदा बाबा के रूप में सत्यलोक यानी सचखंड से चलकर आए। यह लोक सर्व भवनों के ऊपर ही, जहां परमात्मा रहते हैं, संत गरीब दास जी की आत्मा को ऊपर अपने लोक में परमेश्वर लेकर गए। बच्चे को मृत जानकर शाम को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार करने वाले थे। तत्काल परमात्मा ने संत गरीब दास जी की आत्मा को ऊपर ब्रह्मांडों का भ्रमण कराकर सत्य ज्ञान बताकर शरीर में प्रवेश कर दिया। बालक जीवित हो गया। यह घटना फाल्गुन शुदी द्वादशी संवत 1784 सन 1727 की है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 104। संत गरीब दास जी को परमात्मा ने तत्व ज्ञान प्रदान किया। उनका ज्ञान योग खोल दिया, जिस कारण से संत गरीब दास जी ने 24,000 वाणी बोली, जो संत गोपाल दास जी द्वारा लिखी गई उन अमृतवाणियों को छपवाकर ग्रंथ रूप दे दिया है। यह दास यानी संत रामपाल दास उसी से सत्संग किया करता है। संत गरीब दास जी ने अमृत वाणी में कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। भावार्थ, संत गरीब दास जी ने परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से देखकर भूत भविष्य का ज्ञान कहा है। बताया है कि जो काशी नगर उत्तर प्रदेश में जुलाहा कबीर जी थे, वे सर्व ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। सर्व ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से ठहराया है। परमेश्वर कबीर जी पर उनका कोई भार नहीं है। जैसे वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज रॉकेट बनाकर उड़ा दिए, स्वयं भी बैठकर यात्रा करते हैं, इस प्रकार संत गरीब दास जी ने परमेश्वर जी को आंखों देखकर उनकी महिमा बताई है। नंबर 6, संत घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश को मिले थे। पुस्तक विस्तार को मद्देनजर रखते हुए अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए www.jagatgururampalji.org से खोलकर अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। वेद मंत्रों की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27। विवेचन पुस्तक में दी गई फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है, जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है अर्थात समाप्त करता है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 105। भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित विकार रहित करता है, जैसा कि अगले मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा धुलोक अर्थात सत्यलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चर्म दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है,
यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहाँ परमात्मा ऊपर रहता है वहाँ से गति करके बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है, श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप कवियह अर्थात कबीरदेव हैं। हम उन्हें कबीर साहेब कहते हैं। विवेचन पुस्तक में दी गई फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा धुलोक अर्थात अमर लोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग पर विराजमान है। सत्यलोक अर्थात शाश्वत स्थान के तीन भाग हैं। एक भाग में वन पहाड़ झरने बाग बगीचे आदि हैं। यह बाह्य भाग है अर्थात बाहरी भाग है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी तीन भागों में बंटी है, बाहरी दिल्ली जिसमें गांव, खेत खलिहान और नहरें हैं, दूसरा बाजार बना है, तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय हैं। इसके पश्चात धुलोक में बस्तियां हैं। सपरिवार मोक्ष प्राप्त हंसात्माएं रहती हैं। पृथ्वी पर जैसे भक्त को भक्तात्मा कहते हैं इसी प्रकार सत्यलोक में हंसात्मा कहलाते हैं। तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 106। उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं, वहां स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द यानी वचन से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक तीन भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहाँ यानी सत्यलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वालों में वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। सत्यलोक में सत्य पुरुष रहता है, वहाँ पर जरा मरण नहीं है, बच्चे युवा होकर सदा युवा रहते हैं। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2 का फोटो कॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन पुस्तक में दी गई ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2 की फोटो कॉपी है। यह अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देश से उन्हीं के चेलों ने किया है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 107। इनमें स्पष्ट है कि मंत्र 1 में कहा है सर्व की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है, पापों को नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला अर्थात सुखों की झड़ी लगाने वाला है। वह ऊपर सत्यलोक में सिंहासन पर बैठा है जो देखने में राजा के समान है। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में है कि अर्श कुर्श पर सफेद गुमट है जहां परमेश्वर का डेरा, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नु। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तख्त अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 श्लोक 26-30 तथा कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52-59 में है। वह परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर शब्द वाणी से ज्ञान सुनाता है। वह वर्णीय अर्थात आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जैसे नंबर 1 संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले, नंबर 2 संत मलूक दास जी को मिले, नंबर 3 संत दादू दास जी को आमेर राजस्थान में मिले, नंबर 4 संत नानक देव जी को मिले, नंबर 5 संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, नंबर 6 संत घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को मिले, नंबर 7 संत जम्भेश्वर जी बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक को गांव समराथल राजस्थान वाले को मिले। वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जो परमात्मा के दृढ़ भक्त होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। उदाहरण भी बताया है कि जैसे विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, जैसे कांसी धातु पर बिजली गिरती है। पहले कांसी धातु के कटोरे गिलास थाली बेले आदि आदि होते थे, वर्षा के समय तुरंत उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। वृद्ध कहते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर मिलते हैं।
मंत्र नंबर 2 में तो यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं। उपदेश का भावार्थ है कि परमात्मा तत्व ज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं। उनके सतगुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुँचते हैं। आप जी ने पीछे पढ़ा कि संत धर्मदास को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहाँ पर अवश्य जाता हूँ जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से छूट जाती है। मेरे रहते वह ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 108। इसीलिए गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्म को भी उत्पन्न किया सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट रूप में मानकर आरती स्तुति करनी चाहिए। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में यह भी स्पष्ट किया है कि आप कविर वेदस्य यानी कविर देव है जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हो। आप पवित्र परमात्मा है। हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें और द्युतम वसाना निर्निजम परियसी यानी हम आपकी संतान हैं। हमारे प्रति वह वात्सल्य वाला प्रेम भाव उत्पन्न करते हुए उसी निर्निजम यानी सुंदर रूप को परियासी यानी उत्पन्न करें, अर्थात हमारे को अपने बच्चे जानकर जैसे पहले और जब चाहें तब आप अपनी प्यारी आत्माओं को प्रकट होकर मिलते हैं, उसी तरह हमें भी दर्शन दें। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 का फोटो कापी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मन आप अपने श्रेष्ठ गुप्त नाम का ज्ञान कराएं। उस नाम को मंत्र 17 में बताया है कि वह कविया यानी कबीरदेव है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 109। मंत्र नंबर 17 की केवल हिंदी शिशुम जज्ञानम हरियंतम यानी परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मृजंती शुमयंती वहिन वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझाता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति वहिन यानी शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वह परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्येना यानी कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा कविर गीर्भ्यः यानी कविर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा पवित्रम अतिरेभन यानी शुद्ध ज्ञान को उच्चे स्वर में गर्ज गर्ज कर बोलते हैं। वह कविया यानी कवि की तरह आचरण करने वाला कबीर देव संत यानी संत रूप में प्रकट सोम यानी अमर परमात्मा होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। विशेष इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कविया शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक कविया का अर्थ ही नहीं किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 का फोटो कापी दिया गया है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विवेचन पुस्तक में दी गई ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 की फोटो कापी है जिसका अनुवाद महर्षि दयानंद जी के अनुयायियों ने किया है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा अनुवादित है। इस पर विवेचन करते हैं, इसके अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं जो आर्य समाज के आचार्यों ने की है। हम संस्कृत भी समझ सकते हैं। विवेचन करता हूं तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूं। मंत्र 17 में कहा है कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। यह यानी जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है वे ऋषिकृत यानी ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत सहस्रणीय यानी हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषि मना यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए स्वर्षाह यानी आनंददायक होती हैं। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 110। कविनाम पदवीय यानी कवित्व से दोहों
चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। वह सोम यानी अमर परमात्मा, सिशासन यानी सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में, महिषह यानी बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में, तृतीयम धाम यानी तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक के तीसरे पृष्ठ पर, अनुराजती यानी तेजोमय शरीर युक्त स्तूप यानी गुंबज में, विराजम यानी विराजमान है, वहाँ बैठा है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सर्व लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है, तिष्ठन्ति यानी बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का फोटो कॉपी दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने अनुवाद किया है, इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है, जो आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर, परमात्मा ने ऊपर के चार लोक अजर अमर रचे हैं। नंबर 1 अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, नंबर 2 अगम लोक, नंबर 3 अलख लोक, नंबर 4 सत्यलोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं, यहाँ से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो नंबर 1 सत्यलोक, नंबर 2 अलख लोक, नंबर 3 अगम लोक तथा नंबर 4 अनामी लोक गिना जाता है। उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की, शेष रचना सत्यलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। यह चौथा धाम है, उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का विभक्ति यानी भिन्न भिन्न वर्णन करता है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 111। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक संत रामपाल दास ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का फोटो कॉपी देखें, जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ ज्ञान जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण यह रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने यह बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है, इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर किया है। जैसे मूल पाठ में लिखा है, मर्य न शुभ तन्वा मृजाना अत्यह न श्रित्वा सने धनानाम वृषे व्यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृदत चम्बोह आविवेश। अनुवाद, जैसे मर्यह न यानी मनुष्य सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान शुभ्रह तन यानी सुंदर शरीर, मृजानह यानी धारण करके, अत्यह यानी अत्यंत गति से चलता हुआ, सने धनानाम यानी भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को सने यानी प्राप्ति के लिए आता है, यूथा वृषेव यानी जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा परिकोशम यानी प्रथम ब्रह्मांड में, अर्शन यानी प्राप्त होकर अर्थात आकर, कनिकृदत यानी ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ, चम्बोह यानी पृथ्वी खंड में, अविवेश यानी प्रविष्ट होता है। भावार्थ, जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके पृथ्वी पर आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे अन्य शरीर धारण करके परमात्मा मानव रूप में पृथ्वी पर आता है और धनानाम यानी दृढ़ भक्तों यानी अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 112। विवेचन ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 की फोटोकॉपियां हैं।
जिनका हिंदी अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती आर्यसमाज प्रवर्तक के दिशा निर्देश से उनके आर्यसमाजी चेलों ने किया है। यह अनुवाद कुछ कुछ ठीक है, अधिक गलत है। पहले अधिक ठीक या कुछ कुछ गलत था जो मेरे द्वारा शुद्ध करके विवेचन में लिख दिया है, अब अधिक गलत को शुद्ध करके लिखता हूँ। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आपका जो गुप्त वास्तविक चारु यानी श्रेष्ठ नाम यानी नाम है, उसका ज्ञान कराएं। प्रिय पाठ को, जैसे भारत के राजा को प्रधानमंत्री कहते हैं, यह उनकी पदवी का प्रतीक है। उनका वास्तविक नाम कोई अन्य ही होता है। जैसे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल उनका वास्तविक नाम है। इस मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आपका जो वास्तविक नाम है वह सोत्रिमिय यानी उपासना करने का, स्वायुध यानी स्वचालित शस्त्र के समान पूयमान यानी अज्ञान रूपी गंध को नाश करके पापनाशक है। आप अपने उस सत्य मंत्र का हमें ज्ञान कराएं। देव सोम यानी हे अमर परमेश्वर, आपका वह मंत्र श्वासों द्वारा नाक आदि गाह यानी इंद्रियों से, वासुम अभी यानी श्वास उश्वास से जपने से, सप्तिरिव यानी सप्तिह इव यानी विद्युत जैसी गति से अर्थात शीघ्रता से, अभिवाजम यानी भक्ति धन से परिपूर्ण करके, श्रवस्यामी यानी ऐश्वर्य को तथा मोक्ष को प्राप्त कराइए। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 के अनुवाद में बहुत सी गलतियां थी जो शुद्ध कर दी हैं। प्रमाण के लिए मूल पाठ में अभिवाजम शब्द है, इसका अनुवाद नहीं किया गया है। इसके स्थान पर अभिगमय शब्द का अर्थ जोड़ा है जो मूल पाठ में नहीं है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 के अनुवाद में भी बहुत गलतियां हैं जो आर्यसमाजियों द्वारा अनुवादित है। अब शुद्ध करके लिखता हूँ। जैसा कि पूर्वोक्त ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 तथा 82 के मंत्रों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने शाश्वत स्थान से जो धूलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहाँ से चलकर पृथ्वी पर जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से प्रकट होता है। परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों में बसे प्राणियों की परवरिश 3 स्थिति में करते हैं। नंबर 1, परमात्मा ऊपर सत्यलोक अर्थात अविनाशी धाम में सिंहासन यानी तख्त पर बैठकर सर्व ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। नंबर 2, जब चाहे साधु संत के रूप में अपने शरीर का तेज सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। नंबर 3, प्रत्येक युग में किसी जलाशय में खिले कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप बनाकर प्रकट होते हैं, वहाँ से निसंतान दंपति अपने घर ले जाते हैं। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 113। बचपन से ही वह परमात्मा अपना वास्तविक भक्ति ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं, चौपाइयों, दोहों, साखियों व कविताओं के रूप में सुनाते हैं। जैसे सन 1398 विक्रम संवत 1455 में परमात्मा अपने निज स्थान से चलकर भारत वर्ष के काशी शहर के बाहर लहरतारा नामक जलाशय में कमल के फूल पर शिशु रूप धार कर प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा जुलाहा दंपति अपने घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए, कबीर वाणी बोलकर ज्ञान सुनाया था। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में है, जो आर्य समाज के आचार्यों द्वारा अनुवादित है। उसमें भी कुछ गलती है, अधिक नहीं। कृपया पढ़े यह ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की फोटोकॉपी, जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन पुस्तक में दी गई फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की है। इसमें स्पष्ट है कि सोम यानी अमर परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुवारी गायों यानी अभी अधन्या धेनुवह द्वारा होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश में है कि जिस परमेश्वर कबीर जी को नीरू नीमा अपने घर ले गए, तब शिशु रूपधारी परमात्मा ने न अन्न खाया न दूध पिया। फिर स्वामी रामानंद जी के बताने पर एक कुवारी गाय अर्थात एक बछिया नीरू लाया, उसने तत्काल दूध दिया। उस कुवारी गाय के दूध से परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई थी। कबीर सागर लगभग 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 के अनुवाद में कुछ गलती की है। जैसे अभिअधन्या का अर्थ अहिंसनीय कर दिया, जो गलत है। हरियाणा प्रांत के जिला रोहतक में गांव धनाना में लेखक का जन्म हुआ, जो वर्तमान में जिला सोनीपत में है।
इस क्षेत्र में जिस गाय ने गर्भ धारण न किया हो तो कहते हैं कि यह धनाई नहीं है, यह बिना धनाई है। यह अपभ्रंश शब्द है। एक गाय के लिए अधनी शब्द है, बहुवचन के लिए अधन्या शब्द है। अधन्या का अर्थ है बिना धनाई गौवे तथा अभिधन्या का अर्थ है पूर्ण रूप से बिना धनाई अर्थात कुवारी गायें अर्थात बछिया। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 114। अब ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 का शुद्ध अनुवाद करता हूँ। केवल हिंदी शिशुम जज्ञानम हर्यंतम यानी परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मृजंती शुम्यंती वहिन यानी वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझाता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति वहिन यानी शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वे परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्येना यानी कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा कविर गीर्भ्यः यानी कविर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा पवित्रम अतिरेभन यानी शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गर्ज गर्ज कर बोलते हैं। वह कवियः यानी कवि की तरह आचरण करने वाला कविर देव संत यानी संत रूप में प्रकट सोम यानी अमर परमात्मा होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। विशेष इस मंत्र के मूल पाठ में दो बार कवियः शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक कवियः का अर्थ ही नहीं किया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 पर विवेचन करते हैं। इसके अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं। हम संस्कृत भी समझ सकते हैं। विवेचन करता हूं तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूं। मंत्र 17 में कहा कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। यह यानी जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है वे ऋषिकृत यानी ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत सहस्रणीथ यानी हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषिन्ना यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए स्वर्षाह यानी आनंददायक होती हैं। कविनाम पदवीयः यानी कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वह सोम यानी अमर परमात्मा सिशासन यानी सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में महिषः यानी बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में तृतीयम धाम यानी तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक के तीसरे पृष्ठ पर अनुराजती यानी तेजोमय शरीर युक्त स्तूप यानी गुंबज में विराजम यानी विराजमान है वहाँ बैठा है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सर्व लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है तिष्ठन्ति यानी बैठा है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं।